हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करें कैसे आप अपस्टॉक्स के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे आप अपस्टॉक्स के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर, तो आपको कैसे सर्च करना पड़ेगा, सर्च करने के बाद कैसे आपको लिमिट प्राइस ऐड करना, कैसे आपको रेगुलर ऑर्डर लगाना, इसमें मार्जिन कितना मिलेगा, कैसे आप ऑर्डर को पुट करेंगे, तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को कम्प्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो आप यहां से सर्च कर सकते हैं। जब आप प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहां पर सर्च फॉर स्टॉक्स आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, FNO सेलेक्ट करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेडिंग करने एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर बैंक डालेंगे तो आपके पास, तो आप सबसे पहले यहाँ पर बैंक डालेंगे। बैंक डालने के बाद आपके पास ऑप्शन फ्यूचर के लॉट ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे फ्यूचर का बैंक निफ्टी का लॉट है जिसकी एक्सपायरी 26 जून, सेकंड आप देखेंगे 31 जुलाई और थर्ड 27 जून। ये बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो हम बैंक निफ्टी का फ्यूचर के प्लस लॉट्स ओपन हो जाएंगे। मंथली एक्सपायरी होगी इनकी 26 जून के बाद 31 जुलाई, तो 26 जून को बढ़ेगा थर्सडे होगा, 31 जुलाई को फिर थर्सडे होगा, तो एवरी थर्सडे का मंथ एंड पे एक्सपायरी होगी। तो आपको बाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद बाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर आप इसकी क्वांटिटी कितने बायर हैं कितने सेलर हैं आप यहाँ पे इसका पूरा डेटा चेक कर सकते हैं। चार्ट्स यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन चेंज डेटा यहाँ से देख सकते हैं, सम रिस्क यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही आप बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास स्क्रिप्ट का नाम होगा बैंक निफ्टी फ्यूचर, उसका जो प्राइस होगा, आज का मोमेंट कितना परसेंट अप या डाउन है, एक्सपायरी की डेट को होगी, और उसमें रेगुलर ऑर्डर हम कैसे पुट करेंगे। तो आज हम बात करें रेगुलर ऑर्डर कैसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग को बाय करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो क्वांटिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो लॉट इक्वल टू 15, इसका मतलब यह है कि एक लॉट के अंदर 15 क्वांटिटी आपके पास है। अब 15 क्वांटिटी मतलब कि आपको मिनिमम 15 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी एक लॉट के अंदर है, तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको जब एक डालेंगे तो इसका मतलब आप 15 क्वांटिटी बाय करना चाहते हो, और एक क्वांटिटी का प्राइस 52,000 समथिंग है। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक डाला, एक डालने के बाद आपको मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पर देख सकते हैं 6913, बट यहाँ पे क्वांटिटी है, ये लॉट्स नहीं है, क्योंकि एक क्वांटिटी का प्राइस 52644 है, जिसके अगेंस्ट आपको मार्जिन पे करना 6916। अगर यहाँ पे आप 15 डाल देते हैं तो आपको पूरा लॉट बाय करने के लिए सिर्फ 1,03,740 रुपये पे करना है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इतने अगेंस्ट इसकी मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 7 लाख रुपीज़ बनता है, बट आपको सिर्फ 1 लाख रुपये समथिंग आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपके पास जो रिक्वायर्ड है ये पीएस हो जाएगा। रिक्वायर्ड होने के बाद यहाँ पे ऑर्डर्स आएंगे, आपको मार्केट ऑर्डर लगाना, लिमिट ऑर्डर लगाना। जब मार्केट ऑर्डर लगाना चाहेंगे तो ये प्राइस ब्लॉक हो जाएगा। इंट्राडे आपको पोजीशन बाय करनी या फिर डिलीवरी, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको पता है कि मार्केट स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा सेम डे के अंदर, और डिलीवरी में मैक्सिमम आप इसको एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। रिव्यू बाय ऑर्डर करेंगे, कन्फर्म करेंगे तो आपका ये मार्केट ऑर्डर पुट हो जाएगा, ऑन स्पॉट एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑर्डर आपने लगाया। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो लिमिट पे क्लिक करेंगे, लिमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनुअली प्राइस डालेंगे। देखो जैसे मैंने लिमिट पे क्लिक करा तो किस रेट पे आप इसको बाय करना चाहते हैं, मैनुअली प्राइस यहाँ पे डालेंगे, क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे, एक क्वांटिटी का प्राइस 52664 है, जिसके अगेंस्ट आपको सिर्फ 6917 रुपीज़ पे करने हैं। लिमिट पे क्लिक करेंगे, आपको इंट्राडे करना है फिर डिलीवरी करना है, उसके बाद रिव्यू बाय ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर पेंडिंग पोजिशन में चला जाएगा, क्योंकि आपने लिमिट ऑर्डर लगाया, मैक्सिमम एक्सपायरी इसकी वन डे होगी, वन डे के अंदर प्राइस आ जाता है आपका आउट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ना आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आप इसकी वैलिडिटी की यहाँ से मैनुअलाइज कर सकते हैं। आप डे अगर पूरा दिन ऑर्डर वैलिड रखना तो यहाँ पे कर सकते हैं, इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल IOC सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको AM ऑर्डर लगाना तो ये अलग से ऑप्शन होगा, इसकी मैं अलग से वीडियो क्रिएट करूँगा। आप कोई डाउट है कोई कन्फ्यूजन आप चैनल पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।